लेवल के जानवर हैं माशाल्लाह, और ये तो इसकी तो क्लास ही अलग है। ये आदिल भाई की गाय हैं जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की होंगी तकरीबन। नहीं मीडिया वाले भी आए थे वो भी अपनी है। Assalamualaikum guys, welcome back to a new vlog। बोलते खुशी खुशी अब पागल हो गया गधा आदमी, मैं जगह देखता जगह का हर जगह काट लेता पागल। दोस्तों गाइस इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30 बल्कि 6 बज रहे हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह हम रात को गाय लेकर आ गए थे गाइस। अगर किसी ने भी अभी तक हमारा वो काऊ मंडी का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लें। हमारी काऊ ने जो तबाही मचाई है, एक तो चढ़ते वक्त और उतरते वक्त तो अल्लाह माफ करे उसने। ओ भाई क्या कर रहा है यार, स्टैंड क्यों कर रहा है? उतरते वक्त तो गाय ने तबाही मचा दी यार। सोते सोते सुबह के 10:30 बज गए। अब भी 10:30 बजे सोए तो भाई अभी 5:30 बजे आँख खुली, असर की नमाज़ पढ़ी, नाश्ता वास्ता करके फिर मैं आपसे सलाम दुआ के लिए आया हूँ भाई। तो एनीवेज यार अब मैं जा रहा हूँ नीचे, गाय का चारा वारा लेकर आते हैं। अहमद कुछ बोल रहा है चारा देने चले और गाय को उधर देखते हैं। और गाय को कल भाई चोटें भी बहुत लग गई, बड़ा मामला हुआ कल यार। बहरहाल आप लोग मेरा वाला ब्लॉग जाके देखें जो मैंने काऊ अपलोड और अनलोड करी है ना गाइस, क्या आउटस्टैंडिंग मज़ा आ गया कसम खुदा की यार, मज़ा आ गया। तो खैर बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ चारा लेने, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। चलते हैं गाय के लिए चारा लेने। लाइटें वाइटें बंद करें वो भाई बिल बहुत आता है। हम चलते हैं अपनी गाय को देखे, बैठी हुई गाय। गाय के लिए चारा लेने के लिए जा रहा हूँ भाई मैं। अहमद साहब पहले ऑर्डर नीचे ही हैं तो शरीफ हो गई है। A few moments later। तो गाइस अहमद साहब चारा लेने आए हुए गाय का, अपनी देख सकते हैं चारे की दुकान पे हम लोग बैठे हुए हैं। अहमद साहब को चारा थैली नहीं लाया, अहमद साहब चारा डालने के थैली लेके नहीं आए। चारे वाले का थैली ख़त्म हो गई है, ये देखें बकरा, ये देखो भाई चारा बच मिल रहा है 25 रुपये किलो भाई। ये कुट्टी दे रहे हैं इतनी महंगी। गाँव में आ गए गाँव। दोस्तों गाइस अहमद साहब गोबर से खेल रहे हैं चारा लेकर आ गया भाई गाय के लिए और दोनों गाय को डाल दिया और ये अब मनाई कर रही हैं। तुम भी खा लो इनके साथ, नाश्ता तो करते नहीं हो हैं। हाँ सुबह से जो हरकतें करी ना सब प्यारापन निकल गया बेटा। चलिए मैं जाऊँगा ऊपर देखना है। चलो मैं जा रहा हूँ, तुम देखते रहना सही है। गाय को चारा वारा दे दिया भाई अहमद और मैंने। और अभी जब मैं ऊपर आया तो भाई मेरी सिस्टर आई हुई थी यासिर से मिलने के लिए, तो मेरी छोटी बहन है, जा रहा हूँ घर छोड़ने के लिए। तो इन लोगों ने बोला हेरा वगैरह ने यार हमें वो जो बड़ी बड़ी गायें आई हैं महंगी जरा वो भी दिखा दो भाई। तो मैंने कहा चलो खैर तब मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये लोग भी मेरे साथ जा रहे हैं गाड़ी में गायें देखने के लिए। और जो महंगी गायें होंगी ना गाइस मैं भी इस दिखाने देख दूंगा और इन लोगों को भी दिखा दूंगा। और यासिर वगैरह भी आए हैं, ये लोग भी देख लेंगे। तो हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास उनके घर पर बड़ी हैवी गायें आएंगी भाई। दोस्त ने बड़ी हैवी ड्यूटी कुर्बानी करी है और तकरीबन मैंने सुना है और 1 से 1.5 करोड़ रुपए की कुर्बानी करी है भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो जाके देखते हैं भाई 1 से 1.5 करोड़ की कौन सी कुर्बानी होती है भाई। हम भी तो देखे ना यार, अल्लाह ताला खैर कुर्बानी कबूल करे उनकी भी और हमें भी अल्लाह ताला ऐसा मौका दे कि हम भी 1.5-2 करोड़ की कुर्बानी करें भाई इंशाल्लाह ताला। तो आइए चलते हैं बड़ी 1 करोड़ की गाय देखने के लिए। घर से हम लोग निकल गए हैं और बहन को छोड़ने घर जा रहा हूँ। लेकिन आपको पता है पहले पेट्रोल ज़रूरी है भाई, पेट्रोल वगैरह गाड़ी चलती नहीं है। हमारे इलाके में एक मंडी लगी हुई है, इतवार को तो वैसे लगती है लेकिन ये स्पेशल मंडी लगी है बकरीद की वजह से। गाय वाय सब है यहाँ पे। अगर टाइम मिला मुझे तो भाई यहाँ का विजिट कल करेंगे इंशाल्लाह। A few moments later। जा रहे थे हम बहन को घर छोड़ने, उसके बाद हमें देखने आया था गाय। तो गाय वाय का प्रोग्राम चला गया बाद में। अभी हम पहले खाने बैठ गए गोलगप्पे। आशिया मंदिर की जो फूड स्ट्रीट है ना यहाँ पे पहले हम खा रहे हैं गोलगप्पे। देखिए सारे बैठे हुए हैं और गोलगप्पे और गोला गंडा। और फिर उसके बाद छोड़ेंगे बहन को, फिर देखने जाएंगे हम गाय 1 करोड़ वाली 1 करोड़ वाली। गोला गंडा आ गया, गोला अंडा बच्चों ने भाई गोला गंडा मंगवाया और हम लोगों ने ये क्या गोलगप्पे, गोला गंडा और गोलगप्पे। ये भाई ये क्या जबरदस्त बनाया यार, रंग बरंगी। अच्छा आप लोग ये लो भाई। तो गाइस गोला गंडा और लिमका खा लिया और अब सिस्टर को छोड़ने से घर जा रहे हैं। उसके बाद गोला गंडा और गोलगप्पे खा लिए, अब सिस्टर के छोड़ने से घर जा रहे हैं। उसके बाद देखने हम लोग आए। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। आ रहा हूँ भाई, बहन के ऊपर दौड़ के आ रहा हूँ। तो ये है हमारे आदिल भाई जो हमारे क्रिकेट के साथी हैं। हमारे जोत भी आए हुए भाई। ये तो भाई ये आदिल भाई की गाय है जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की होंगी तकरीबन। लेवल की गाय है भाई। भाई चौधरी बन के बैठे में भाई, चौधरी बन के तो नहीं तो व्लॉग मीडिया वाले भी आए थे यार, मैं आ नहीं सका, मुझे बोला था आदिल भाई ने। और जाओ वो भी अपनी है आज में, वो भी अपनी है हैं? तकरीबन ये सारी गायें, ये और जो नीचे बनी है ये और जो दुकान में बनी है, तकरीबन ये 5 गायें तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए की गायें भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह आ गई है भाई। हाँ जी आगे आएगी डायरेक्ट। लेवल के जानवर है माशाल्लाह। और ये तो इसकी तो क्लास ही अलग है। आवाम का रश चेक करें भाई, लेवल की आवाम है और फुल माशाल्लाह लोग ही लोग हैं। 2000 years later। तो गाइस घर पर आ गए भाई, गोला गंडा खा के गोलगप्पे खा के गाय वाय दिखा के मैं इन लोगों को घर पर लेकर आ गया हूँ गाइस। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लो यार। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो भाई चैनल, भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। तो गाइस खैर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। तो मिलता हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक